जय माता दी दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम आज कराने वाला हूँ माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, कटरा जाने के लिए आपको ट्रेन और एरोप्लेन दोनों की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन हमने अपनी यात्रा पुरानी दिल्ली जाके जम्मू तवी एक्सप्रेस से की थी। कटरा रेलवे स्टेशन पे उतरते ही सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर चेक होता है, उसके बाद ही सभी यात्रियों को यात्रा करने की मंजूरी दी जाती है। आरटीपीसीआर चेक हो चुका है और रिपोर्ट जो आई है वो नेगेटिव आई है। कटरा रेलवे स्टेशन से निकलते ही आपको बाहर ऑटो और टैक्सी की फैसिलिटी मिल जाएगी। दोस्तों, हमने ऑटो स्टैंड से ऑटो बुक किए हैं, तो ऑटो से हम जा रहे हैं होटल, वहाँ थोड़ा आराम आराम करेंगे, उसके बाद चढ़ाई चालू करते हैं। रेलवे स्टेशन से माल रोड जाने के लिए हमको 15 से 20 मिनट लगे, जहाँ पर हमने अपना रूम बुक किया था। फ्रेंड्स, होटल में हम पहुँच चुके हैं, तो ये हमारा रूम है। एंट्री करते ही आपको बेड दिख जाएगा, जहाँ पे 4-5 लोग आराम से सो सकते हैं, और यहाँ पे पीछे सोफा भी है। बाथरूम भी अच्छा खासा साफ सुथरा है, मतलब जो है अच्छा है। सब्सक्राइब टू 55 व्लॉग, सब्सक्राइब कर देना प्लीज, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, लाइक सब्सक्राइब, जोर से बोलो जय माता दी। माँ वैष्णो देवी की यात्रा चालू करने से पहले सभी श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा पर्ची कटवानी पड़ती है। हमने जो अपनी यात्रा पर्ची कटवाई थी वो माल रोड से कटवाई। वैसे आपको श्राइन बोर्ड के यात्रा पर्ची के काउंटर कटरा में आपको अलग अलग जगह पे मिल जाएंगे। यात्रा पर्ची कटवाने के बाद हमने अपनी यात्रा शाम को 6 बजे शुरू करी थी।
यात्रा के शुरुआत में ही आपको माँ वैष्णो देवी का दर्शनीय द्वार दिख जाएगा, जिसके अंदर जाते ही आपको पालकी, खच्चर, घोड़े इन सभी की व्यवस्था मिल जाएगी। चढ़ाई चालू कर दी है माता रानी के भवन, बस चलना है। थोड़ी दूर चलते ही आपको बाढ़ गंगा दिख जाएगी, यहाँ पर कई लोग नहाकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अर्धकुंवारी जाने के रास्ते में आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएगी, जहाँ पर आप खा पी सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो अर्धकुंवारी जाने का आधा रास्ता हमने पार कर लिया है, अभी कुछ किलोमीटर और बचे हैं तो हम रेस्ट कर रहे हैं अभी यहाँ। भाइयों यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ जो सोनू भी आए थे इतने चल दिए कि इनके पैरों ने जवाब दे दिया। अर्धकुंवारी में माता रानी की गर्भ जोन गुफा है, जिसके दर्शन के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है और कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद आप उनके दर्शन कर सकते हैं। अर्धकुंवारी में कुछ देर आराम करने के बाद हमने माता रानी के भवन के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। भवन में जाने के आपको दो रास्ते मिल जाएंगे, एक रास्ता जो कि पुराना वाला है और एक रास्ता नया है। हमने जो लिया था वो नया वाला रास्ता लिया था। अर्धकुंवारी से होकर अब हम माता रानी के भवन की तरफ जा रहे हैं, नॉन स्टॉप चल रहे हैं, थकान तो हुई नहीं अभी। अब देखते हैं रास्ते में रुकते हैं तो वहाँ के भी नज़ारे आपको दिखाएंगे। जय माता दी। फ्रेंड्स, अर्धकुंवारी के बाद जिस रास्ते से हम जा रहे हैं पूरा प्लेन है, चढ़ाई इसमें कम है, साइड में भी खाई है पूरी। भवन जाने के रास्ते में आपको श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए गए फूड कोर्ट मिल जाएंगे, जहां पर आप खाना खा सकते हैं। करने के लिए रुके हैं, 2 किलोमीटर बचा है, माता रानी का भवन वो रहा, तो मिलते हैं भवन में। रास्ते में चलते ही हमको दूर से ही माता रानी का भवन दिख गया, जिसको देख के मन अपने आप में ही खुश हो जाता है। हम माता रानी के भवन सुबह 4 बजे पहुंचे।
दर्शन के दौरान किसी भी भक्त को अपने साथ फ़ोन, बैग, बेल्ट अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, जिसके लिए आपको बाहरी लॉकर की सुविधा दे दी गई है। भवन के इतने ऊंचाइयों पर होने के कारण यहाँ पर मौसम कभी भी बदल जाता है। हम लोग जब माता रानी के दर्शन कर वापस आए तब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। माता रानी के दर्शन करने के बाद हमको भैरव बाबा के दर्शन करने थे, लेकिन ज़्यादा बारिश होने के कारण जो रोपवे की सुविधा थी उसको बंद कर दिया गया था, जिससे हमने फिर पैदल ही चढ़ाई चालू कर दी। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं भैरव मंदिर। आज यहाँ पर खूब बारिश हुई, मैं भी थोड़ा भीग गया हूँ, जिसकी वजह से पैदल ही जा रहे हैं। भैरव घाटी जाने के लिए आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता जो कि प्लेन समतल है जिस पे पालकी और खच्चर जाते हैं, और दूसरा रास्ता जो कि सीढ़ियों वाला है जिसकी सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा लंबी है। माता रानी के भवन से अब हम पहुंच गए हैं भैरव देव के भवन। भक्तों की भीड़ यहाँ खचाखच भरी हुई है। तो अब भैरव देव के दर्शन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो आपको माता रानी का भवन यहीं से दिख जाएगा, भैरव के द्वार से। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद बारिश रुक गई थी, जिसकी वजह से रोपवे की सुविधा को चालू कर दिया गया था। माता रानी के भवन तक के लिए हम रोपवे से ही गए थे। दोस्तों, रोपवे के लिए काफ़ी लंबी लाइन है, एक बार में 40 से 50 लोगों को भेज रहे हैं यहाँ पे। माता रानी के भवन के बाहर आप श्राइन बोर्ड से प्रसाद ले सकते हैं। भवन से अर्धकुंवारी तक के लिए आपको बैटरी रिक्शा की सुविधा मिल जाएगी। मुझको जो पड़ा था वो 236 रुपये पर पर्सन की टिकट पड़ी थी। बैटरी रिक्शा ने हमको अर्धकुंवारी 10 से 15 मिनट में छोड़ दिया था। उसके बाद हमने कटरा तक के लिए पैदल यात्रा की थी। Thank you.
कटरा जाने के रास्ते में हमको गुलशन कुमार का भंडारा मिला था जो कि 24 घंटे चलता रहता है। यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो दोस्तों अर्धकुमारी से चलते चलते हम कटरा पहुँच गए हैं। अब होटल जा रहे हैं, रास्ते में कटरा पहुंचने के बाद आप यहां के माल रोड पे शॉपिंग कर सकते हैं और अपने साथ बांटने के लिए प्रसाद भी ले जा सकते हैं। माता जी दोस्तों, तो दोस्तों माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए रूम पे। यात्रा काफ़ी अच्छी रही। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको यात्रा कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था। आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज़ है जो कि है कल। दोस्तों अभी तक के लिए इस ब्लॉग में इतना ही था। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।